हर मनुष्य इस पृथ्वी पर बेहोशी का जीवन जी रहा है। बेहोशी में जीवन जीने का अर्थ सिर्फ इतना है कि इस जीवन में जो कुछ आप करते हैं उसके करने वाले आप नहीं हैं। बेहोशी में जीवन जीने का अर्थ है कि आपसे सब कुछ करा लिया जाता है। आपको लगता है कि सब कुछ आप कर रहे हैं जीवन में, लेकिन आप बेहोशी में कर रहे हैं सारी चीजें। इस बात को समझने के लिए थोड़ा गौर से देखिए। आप कहते हैं कि मैंने कल क्रोध किया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वास्तव में आपने क्रोध किया या क्रोध हो गया? अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि क्रोध तुमसे हो जाता है, और क्रोध तुम तब करते हो जब तुम होते ही नहीं हो, जब तुम होश में नहीं होते हो, तुम बेहोशी की स्थिति में होते हो, तब क्रोध तुम्हारे भीतर से सक्रिय हो जाता है और जाने कितना बड़ा तांडव कर देता है। ना तो आपने कभी क्रोध किया और क्रोध हो गया, ना आपने कभी घृणा की और घृणा हो गई, ना आपने कभी प्रेम किया, प्रेम भी हो गया। जिन्होंने प्रेम किया है, प्रेम को जाना है, प्रेम के अनुभव से गुजरे हैं, उनसे पूछिए, वो कहते हैं प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। यानी कुछ सामने आया, कोई सुंदर युवती आई, उसको आपने देखा, उस सुंदर युवती ने आपकी कोई बटन दबा दी और आपने अपना नियंत्रण खो दिया, और कहते हैं कि आप प्रेम में पड़ गए, यू फॉल इन लव। तुम प्रेम नहीं करते हो। अगर तुम प्रेम करते तो मैं किसी एक आदमी को आपके पास बैठा दूं और कहूं इससे प्रेम करो। अगर तुम प्रेम कर सकते हो तो तुम्हें उस आदमी के साथ प्रेम करने में सक्षम हो जाना चाहिए, लेकिन तुम कहोगे कैसे प्रेम करूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई अपनी पसंद का आदमी आपके पास बैठा दूं, कहूं प्रेम करो इससे, आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे कि प्रेम जब भीतर से नहीं आ रहा है कैसे करूं। यानी प्रेम आप करते नहीं हो जाता, घृणा आप करते नहीं। कोई व्यक्ति आपके पास बैठा दूं और कहूं इससे घृणा करो, कर पाओगे? किसी आदमी को आपके पास बैठा दूं और कहूं इस पे क्रोध करो, तो क्रोध की एक्टिंग भले ही कर लो, लेकिन क्रोध कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कारण, आपने कभी गौर से देखा? आप इतना बेहोशी में हो, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आपकी जिंदगी की, कुछ भी आप नहीं करते हो, आप उनके करने वाले नहीं हो। क्रोध करने वाले आप नहीं हो, घृणा करने वाले आप नहीं हो, प्रेम करने वाले आप नहीं हो, ईर्ष्या करने वाले आप नहीं हो। सेक्स को आप जगाते हैं? नहीं, वो भी है, काम वासना भी आपको दबोच लेती है। जब दबोच लेती है तो आप उसके शिकार हो जाते हो, लेकिन आप नहीं कह सकते हो कि मैंने काम वासना को पैदा किया। ये सब आपको दबोच लेते हैं, आप उनके शिकार हो जाते हैं, तो आप कहाँ होशपूर्ण हैं? होशपूर्ण तो वो है जो कहे कि अब मैं कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा तो करूँगा, चाहूँगा तो नहीं करूँगा। अगर आप चाहें कि मैं क्रोध नहीं करूँगा तब क्रोध ना हो, तो इसका मतलब क्रोध के करने वाले आप हैं। लेकिन चाह कर कभी कोई क्रोध नहीं कर सकता, इसका मतलब तुम करने वाले नहीं हो। ये सब वृत्तियां हैं जो आपको पकड़ती हैं और आप उनका शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात, क्या आपने कभी सोचा कि ये क्रोध क्यों होता है, ये लोभ क्यों होता है, ये ईर्ष्या क्यों होती है, ये घृणा क्यों होती है, अहंकार क्यों होता है, ये सेक्स क्यों होता है? कभी सोचा ये क्यों होता है? इसका भी आपको कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई इसकी जानकारी नहीं है। बस इतना ही जानते हैं कि ये हो जाता है, और आपका पूरा जीवन यांत्रिक। लेकिन हम एहसास करने लगते हैं कि हम करने वाले हैं, और ये भी एहसास करते हैं कि हमने जो किया सही किया, जबकि दोनों बातें सरासर झूठ है। ना तो आप क्रोध के करने वाले हैं, ना जो आप करते हैं वो ठीक है। लेकिन हर आदमी यही मानता है, अरे भाई मैंने क्रोध किया लेकिन मैंने ठीक किया, और कोई विकल्प नहीं था।
मैं प्रेम में पड़ गया, मैंने ठीक किया, और कोई रास्ता नहीं था। ये दो बातें आप मानकर चलते हैं और ये दोनों बातें बिल्कुल झूठ हैं। इसका अर्थ है कि पूरा का पूरा आपका जीवन झूठ पर आधारित है। आपके जीवन की एक यांत्रिक मैकेनिकल धारा है। आप घर से निकलते हैं, दफ्तर पहुंच जाते हैं, यंत्रवत आपके विचार यंत्रवत चल रहे हैं, आपके भाव यंत्रवत सक्रिय होते हैं, आपके कर्म यंत्रवत सक्रिय होते हैं। कोई दूसरा आदमी बटन दबा देता है, आप सक्रिय हो जाते हो, और ये सब आपके विचार, आपके भाव, आपके कर्म, आपके अचेतन मन से निकल रहे हैं। वही कराता है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो घृणा हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो सेक्स हो, ये आपके अचेतन मन से सारे विचार, सारे भाव, सारे कृत्य निकलते और आप उनका शिकार हो जाते, क्योंकि अचेतन मन से आपके चेतन मन का कोई संपर्क नहीं है। इस यांत्रिकता को तोड़ दें आप, यानी आपके जीवन में जो मैकेनिकल यांत्रिक व्यवस्था है, जिसके कारण आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके कृत्य संपादित हो रहे हैं, अगर इस यांत्रिकता को आप खत्म कर दें, तब आप अपने जीवन के स्वामी, अपने जीवन के मालिक हो जाएंगे। इसीलिए हमने भारतवर्ष के संबुद्ध संतों को स्वामी की संज्ञा दी कि वे वही काम करते हैं जो वे करना चाहते हैं। भगवान बुद्ध को हमने संबुद्ध कहा। क्यों कहा? क्योंकि भगवान बुद्ध अपने मालिक हैं। वो चाहेंगे तब क्रोध करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आप उनके बटन दबा के उनके भीतर क्रोध नहीं पैदा कर सकते हो, और आप अपने मालिक नहीं हैं, क्योंकि अभी कोई दूसरा आदमी आपकी बटन दबा दे, जो बटन दबा देगा वही काम करने लगोगे। अगर उसने आपको गाली दे दी तो उसने आपकी क्रोध की बटन दबा दी, और उससे ज़्यादा वजनदार गाली आप दे दोगे। अगर उसने प्रेम से आपकी प्रशंसा में कुछ प्रीतिकर ऊंचे ऊंचे शब्द बोल दिए, तो आप उसकी प्रशंसा से प्रभावित होकर उसके प्रति प्रेमपूर्ण होने का भाव दिखाने लगेंगे। उसने आपकी प्रेम की बटन दबा दी, अब प्रेम की तरंग आपकी ओर से प्रवाहित होने लगी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस यांत्रिकता को कैसे तोड़ा जाए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस अचेतन मन को कैसे प्रकाशित किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस बेहोशी को कैसे तोड़ा जाए। इस बेहोशी को तोड़ने की क्रिया का नाम ही ध्यान है। ध्यान में करते क्या है? ध्यान में जब आप शांतिपूर्वक बैठते हैं और अपनी चेतना को भीतर की ओर ले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए संसार मिट जाता है, तब आपकी जो चेतन मन की प्रकाशित चेतना है, वो धीरे धीरे अर्ध चेतन और अचेतन मन की गहराइयों में पहुंचने लगती है, और अभ्यास करते 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 आपका पूरा का पूरा 90% अचेतन भी प्रकाशित होने लगता है, आपकी चेतना वहाँ पहुँचने लगती है। इसी के लिए मैंने आपको दी संजीवनी क्रिया और उससे जुड़ी हुई तमाम सारी क्रियाएं, इनर क्लिंजिंग आदि आदि, लेकिन वो भी आपके लिए सरलता से संभव नहीं हो रही है। बहुत थोड़े से लोगों के लिए संभव हो रही, 90% लोगों के लिए वो भी संभव नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको दूसरा महत्वपूर्ण उपाय समझाना चाहता हूँ। ध्यान का अर्थ है आपकी बेहोशी को तोड़ना। ध्यान का अर्थ है आपका जो अचेतन तल है मन का, उसमें चेतना को पहुँचाना और उसे प्रकाशित करना। यानी अचेतन में उतरना है आपको। अचेतन में उतरने का सूत्र है ध्यान, और जो सूत्र आपको देना चाहता हूँ उसे मैं कहता हूं, अचेतन में उतरने का महासूत्र है चेतन मन में जाग जाना। मैंने कहा 10% आपके मन का हिस्सा है जो चेतन है,
कॉन्शियस है जिसके माध्यम से आप जिंदगी के सारे क्रियाकलाप करते हैं, उठना बैठना खाना पीना चलना पढ़ना लिखना काम करना। लेकिन आप हैरान होंगे जानकर, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि चेतन मन में भी तुम सोए सोए जीते चले जाते हो, तुम चेतन मन के तल पर भी जागे नहीं हो, चेतन मन में भी तुम्हारा सारा क्रियाकलाप यांत्रिक है, मैकेनिकल है। बटन दबाते हैं काम हो जाता है, आदत पड़ जाती है काम हो जाता है। तो चेतन मन में जागने की आवश्यकता है। चेतन मन में जागने का उपाय क्या है? जो चेतन मन में चेतना के तल पर जागने लगता है वो धीरे 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 अचेतन तल पर भी जाग जाता है। इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध सदगुरुओं का काम एक ही रहा है, तुम्हें जगाने का, तुम जाग सको। सदगुरु तुम्हें ज्ञान देने नहीं आता है, तुम्हें जगाने आता है। जगाने की कला का पहला चरण है कि तुम चेतन मन में जागो। और मैं तुमसे किसी परम जागरण की या किसी बड़ी साधना की बात नहीं करना चाहता हूँ। थोड़े से पानी में उतरना, उथले पानी में हर आदमी हाथ पैर चला के सीखने की कला सीख सकता है। मैं सिर्फ वो विज्ञान तुम्हें देना चाहता हूँ जिससे तुम खेल खेल में इस असाधारण काम को सफलता से संभव कर लो। तुम्हें सिर्फ अपने शरीर की छोटी छोटी क्रियाओं के प्रति जागना है। जैसे आप रास्ते पर चल रहे हैं तो रास्ते पर चलते समय, अभी तो आप सोते हुए चले जाते हैं, रास्ते पर चलते समय जागे हुए चलें। यानी जब रास्ते पर चल रहे हैं तो होशपूर्वक चलें, आपकी चेतना चलने पर ही केंद्रित हो। अभी आपने कभी प्रातःकाल लोगों को सैर करते हुए देखा है? आप किसी दिन प्रातःकाल किसी पार्क के पास चले जाएं और उधर से सैर करने वालों को देखे। कई आदमियों को मैंने देखा कि वो अकेले जा रहे हैं और अकेले में ही बोले जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने से ही कुछ बोले जा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। देख लूँगा और क्या, मैं बार बार थोड़ा बर्दाश्त करूँगा, अब बहुत हो गया। अकेले में जा रहा है आदमी सैर करने और सेल्फ टॉक कर रहा है, ये आदमी बेहोश है, वो सैर नहीं कर रहा है, वो सेल्फ टॉक में आत्मसंवाद में लगा है। कोई आदमी जाते हुए देखता हूँ ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, फिर दोनों हाथ हिला रहा है, अकेले में कोई नहीं है वहाँ, लेकिन उसका ऐसे ऐसे हाथ हिलाना, ऐसे ऐसे हाथ हिलाना निश्चित रूप से इस बात का संकेत देता है कि वो भीतर किसी न किसी से लड़ाई कर रहा है या किसी न किसी को गाली दे रहा है। कई लोगों के मैंने देखा होंठ कांपते रहते, यानी वे कहीं और खोए हैं। बेहोशी का अर्थ है तुम काम कुछ कर रहे हो, शरीर तुम्हारा कहीं है और मन तुम्हारा कहीं है, इसका मतलब तुम उस काम में नहीं हो, तुम बेहोशी की अवस्था में हो। चलते हुए आदमी को मैंने देखा कि उसकी हैबिट पड़ी हुई है, घर से निकलता है पार्क तक चला जाता है, घर से निकलता है दफ्तर तक चला जाता है, वो अपने कार पे बैठेगा, अपनी मोटरसाइकिल पे बैठेगा, एक्सीलेटर दबाएगा और उसकी स्टीयरिंग भी आदत पड़ गई है, जहाँ मुड़ना है मुड़ती चली जाती है, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच के रुक जाती है। मैकेनिकल हैबिट, यांत्रिक हैबिट, बेहोशी में चला जाता है। तो जागने का अर्थ है कि आप जिस काम को कर रहे हैं पूरी चेतना उसी काम में लगा दें। पहला जागना है शरीर की क्रियाओं के प्रति जाग जाएं। जो काम करें उस काम को करते समय सारी चेतना उसी काम में लगा दें। अगर चेतना वहीं पर है जहाँ पर तुम्हारा शरीर है तो 100% समझ लेना कि धीरे धीरे तुम जागने लगोगे। जैसे कभी कोई काम ऐसा करके देखो तो आप पाएंगे कि इस काम की गुणवत्ता बदल गई है। तो पहला जागरण शरीर की क्रियाओं के प्रति है, दूसरा जागरण जो आपके चित्त में विचार आते हैं, ये विचार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलते रहते हैं। आपका अपने विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि ये सारे विचार अचेतन से आ रहे हैं। जो आप नहीं भी सोचते हो वो ऐसी ऐसी चीज़ों के भी विचार आ रहे हैं, इन विचारों के प्रति भी जागना है।
तो कभी 24 घंटे में 10 मिनट समय निकालकर देखो कि अब कौन सा विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, उसके बाद दूसरा कौन सा विचार आ रहा है, उसके बाद तीसरा कौन सा विचार आ रहा है। सिर्फ 10 मिनट बैठ जाओ और विचारों के प्रति होशपूर्ण हो जाओ। अब ये विचार, अब ये विचार, अब ये विचार, अब ये विचार, इतना तो हर आदमी कर सकता है। एक समय निर्धारित कर लो, 10 मिनट विचारों के प्रति जागने की क्रिया का अभ्यास करो, और जब तुम विचारों को देखोगे अपने चित्त में प्रवेश करते हुए, तो पहला अनुभव तुम्हें होगा कि जैसे विचार मेहमान है। अभी तो तुम्हें लगता है कि विचार आपका अभिन्न अंग है, क्योंकि उनकी एक चेन बनी हुई है। लेकिन जब आप गौर से विचारों को देखेंगे, विचारों का निरीक्षण करेंगे, एक एक विचार के प्रति होशपूर्ण हो जाएंगे, तब आप इस अद्भुत अनुभव को पाएंगे कि विचार मेहमान की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तब आपको पता लगेगा कि मैं अलग हूँ, विचार अलग हैं। और जब विचारों से अलग होने का अनुभव आपको मिलेगा, तो एक आनंद की तरंग आपको पकड़ेगी। तब आपको लगेगा आपके विचार आपके गुलाम बन सकते हैं। अभी तो आप ही अपने विचारों के गुलाम हैं, विचार जो चाहते हैं वो आपसे करा लेते हैं। इसलिए अक्सर वो चीज़ें आप करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर विचारों को अपना गुलाम बनाना है, तो इस 10 मिनट के अभ्यास को शुरू करें। और तीसरा जागरण भावनाओं के प्रति, आप कुछ महत्वपूर्ण भावों से अपनी ज़िंदगी में प्रभावित होते हैं। ये भाव हैं जैसे क्रोध का भाव, जैसे ईर्ष्या का भाव, जैसे प्रेम का भाव। ये भाव आपके भीतर उठते हैं, जैसे सेक्स का भाव। ये भाव उठते हैं और आपको दबोच लेते हैं, आपको अपना गुलाम बना लेते हैं। आप थोड़ा इनके प्रति भी जागें। जैसे जब आपको क्रोध आए, तो थोड़ा क्रोध का भाव आए तो थोड़ा ठहर जाए और थोड़ा सा ठहर कर देखे कि ये क्रोध का भाव मेरे भीतर आ रहा है। आपको लगेगा कि क्रोध और मैं अलग हो गया हूँ। थोड़े दिन के अभ्यास में क्रोध का भाव आए, आप साक्षी भाव से तटस्थ होकर देखें कि क्रोध का भाव आ रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल होगी। इतने दिनों से तो आप कोशिश करते हैं कि क्रोध आए तो हम क्रोध का शिकार ना बने, लेकिन क्रोध आपको शिकार बना रहता। अभी सुबह कसम खाते हैं कि अब कभी क्रोध नहीं करना, और शाम को कोई बटन दबा देता है आपकी, तो क्रोध तुरंत पकड़ लेता है, आप क्रोध का शिकार हो जाते हैं, क्रोध से बच नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा उपाय बताता हूँ आपको। जब आप देख रहे हैं कि क्रोध से आप बच नहीं पा रहे हैं, क्रोध आपको पकड़ ही लेता है, आपको अपना शिकार बना ही लेता, आप कभी घर में जाएं और क्रोध की एक्टिंग शुरू कर दें, क्रोधित होने का अभिनय शुरू कर दें। जैसे जाएं और पत्नी पर एकाएक क्रोध के भाव से टूट पड़े, उसको लगे कि आप वास्तव में क्रोध कर रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में क्रोध की एक्टिंग करें और फिर इस अनुभव से गुजरे, तब आप क्रोध को देख पाएंगे। जब आप एक्टिंग कर रहे होंगे क्रोध की, तो देख पाएंगे कि आखिर ये क्रोध मैं कर रहा हूँ, ये मेरे भीतर से क्रोध का भाव पैदा हो रहा है। जब क्रोध की आप एक्टिंग कर पाएंगे, तो क्रोध को तटस्थ होकर देख पाएंगे। उस स्थिति में तो देख सकते हैं, लेकिन जब वास्तव में क्रोध पकड़ेगा, तब क्रोध को देखना आपके लिए संभव नहीं है। क्योंकि जब क्रोध पकड़ता है, तब आप होते ही नहीं हो। आपका आज तक क्रोध से साक्षात्कार हुआ ही नहीं है, क्रोध से आपकी मुलाकात हुई नहीं है। क्योंकि जब क्रोध आता है, आप गायब हो जाते हो, आप बेहोश हो जाते हो, इसलिए आपका उससे साक्षात्कार हुआ ही नहीं। और जब तक आपका उससे साक्षात्कार नहीं होगा, आप उसको जानोगे नहीं। अगर उससे साक्षात्कार करना, एक बार क्रोध से आपका साक्षात्कार हो जाए, आप क्रोध को पूरी तरह देख ले अपने से अलग, आप बाहर खड़े हो जाए और देखें कि मेरे शरीर को क्रोध पकड़ रहा है, अगर एक बार भी ऐसा देख सकेंगे आप, तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा है दोबारा आप क्रोध कर ही नहीं सकेंगे। तो कैसे देख सको, इसके लिए मैंने कहा तुम जरा क्रोध की
दो चार बार एक्टिंग करके देखो, तुम एक्टिंग करते हुए अभिनय करते हुए अपने भीतर क्रोध को देख सकोगे, फिर जब क्रोध पकड़ेगा उस समय भी तुम अनुपस्थित नहीं हो पाओगे, तुम्हें लगेगा ये तो वही खेल है जो मैंने एक्टिंग में किया था। और जब क्रोध वास्तव में पकड़े तब भी भीतर भाव रखो कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, असली क्रोध नहीं कर रहा हूँ। जब भी क्रोध पकड़े तुम भीतर ये भाव रखो कि मैं क्रोध की एक्टिंग कर रहा हूँ, क्रोध नहीं कर रहा हूँ, तब तुम क्रोध को देख सकोगे, क्रोध का साक्षात्कार कर सकोगे। और एक बार क्रोध का साक्षात्कार हुआ नहीं कि कोई कितना भी बटन दबाए आपकी क्रोध की बटन चालू नहीं होगी। और चौथा उपाय आपसे कहना चाहता हूँ, स्वयं को कभी ना भूलो। ये आत्म साक्षात्कार की, आत्म जागरण की सबसे शक्तिशाली विधि है। तुम जो भी काम कर रहे हो, हर काम को करते समय क्रिया हो रही है उसके साथ साथ तुम स्वयं को कभी ना भूलो। तुम्हारा सारा ध्यान पूरी जिंदगी दूसरों को देखने में चला जाता है, तुम्हारा सारा ध्यान सारी चेतना जिंदगी भर दूसरी चीज़ों को दूसरी वस्तुओं को देखने में नष्ट हो जाती है। एक ही तो ऊर्जा है तुम्हारे पास, उसको चाहे कहो चेतना, चाहे कहो ध्यान, चाहे कहो होश, चाहे कहो समझ, चाहे कहो जीवन ऊर्जा, चाहे कहो काम ऊर्जा, चाहे कहो राम ऊर्जा, ऊर्जा एक ही है, वही आनंद बनती। एक ही तो ऊर्जा है, उसका उपयोग तुम करते हो हमेशा दूसरे व्यक्तियों या दूसरी वस्तुओं को देखने में, और चाहते हो जागना, और तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे ऊपर कभी नहीं रहती है, इसलिए तुम जाग नहीं पाते हो, इसलिए तुम असाधारण शक्ति अपने भीतर संग्रहित नहीं कर पाते हो, इकट्ठा नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम शक्ति के ऊर्जा के सरोवर नहीं बन पाते हो, और इसीलिए तुम जिंदगी में मनचाही मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाते हो। तो जब भी जो काम कर रहे हो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी चेतना का तीर दो तरफा हो, होश का एक तीर तुम्हारी तरफ हो और होश का दूसरा तीर दूसरे की तरफ हो जो काम कर रहे हो। जैसे इस समय मुझे सुन रहे हो तो मुझे सुनते समय तुम्हारी चेतना यानी तुम्हारी होश का एक तीर मेरी तरफ हो जिसको सुन रहे हो, और दूसरा तीर उसकी तरफ हो जो सुन रहा है। यानी तुम शरीर के बाहर खड़े हो जाओ और देखो कि तुम्हारा शरीर गुरुदेव को बोलते हुए सुन रहा है। बोलने वाले को तो कभी कभार भूल भी जाओ तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सुनने वाले को कभी मत भूलो। होश का तीर सुनने वाले पर जरूर है, तो सुनने वाला तुम्हारे चेतना की ऊर्जा को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, और धीरे धीरे तुम्हारी चेतना संग्रहित होकर तुम्हारे ऊपर ही गिरने लगती है। और जब तुम्हारे ऊपर गिरने लगती है तो घटना ऐसी घटती है कि तुम्हें पता चलता है कि परम आनंद का स्रोत तुम्हारे भीतर ही है, और तब तुम्हें पता चलता है कि सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक ही हो जाते हैं, दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं, वही शुद्ध अद्वैत फलित होता है। ये अभ्यास से जाना जा सकता है, बुद्धि से नहीं, इसलिए इसका अभ्यास करो, इसके चमत्कारी परिणाम तुम्हें अपने अनुभव में मिलेंगे। और अगर इतना आप कर लिए तो आपके भीतर होश जागने लगेगा, होश जागने लगेगा, होश जागने लगेगा, और इतना होश जागने लगेगा, इसकी कसौटी है कि जब तुम नींद में सोने जाओगे तो उस समय जब सोने जाओगे तब तुम शरीर को सोते हुए देखोगे, इतना जागने लगोगे कि शरीर को सोते हुए देख सकोगे, तुम देख सकोगे कि अब शरीर विश्राम पूर्ण हो गया है, अब शरीर सो रहा है, अब सांसें धीमी हो गई हैं, और अब मैं शरीर के भीतर जाग रहा हूँ। शरीर सोता रहेगा, आपका पूरा शरीर विश्राम पूर्ण हो जाएगा, आपकी सांसें भी विश्राम पूर्ण हो जाएंगी, आपके विचारों का आना बंद हो जाएगा, और शरीर के भीतर पड़े हुए आप शरीर को सोते हुए देखने लगेंगे। ये क्षमता आपके भीतर अपने आप, अभी तो आप जानते ही नहीं नींद को,
कोई 60 साल 80 साल की जिंदगी में आदमी 25-30 साल सो के गुजार देता है, 25 से 30 साल आदमी सोता है लेकिन वो पूरी जिंदगी नहीं जान पाता कि नींद क्या है। किसी से पूछो नींद क्या है, वो इतना ही कह सकता है वो पता नहीं कब आती है और कब चली जाती है। इतने दिन लगातार सोने के बाद भी आपको अनुभव नहीं है कि आखिर नींद है क्या, नींद का अनुभव क्या है, वो आती है और चली जाती है। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा होशपूर्ण रहेंगे, तो जागते जागते एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि जब आप नींद में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप नींद में भी जागे हुए हैं, नींद में भी जागरूक हैं। और ऐसा व्यक्ति जो जाग जाता है, वो जो सोचने लगता है वो होने लगता है। जितना जितना जागोगे उतना उतना तुम्हारे अंदर क्षमता आती जाएगी उन चीज़ों को प्रकट करने की जिन्हें तुम प्रकट करना चाहते हो, जिन्हें तुम पाना चाहते हो। इस क्रिया का सार इतना ही है, जो भी काम करो पूरा पूरा सारी ऊर्जा उसी काम को करने में लगा दो। अगर तुम एक कप चाय पी रहे हो तो चाय पीते समय सारी चेतना सारा होश सिर्फ चाय पर केंद्रित कर दो। अगर इस तरह तुम पूरे होश के साथ चाय पियोगे, इसके दो परिणाम होंगे। पहला परिणाम होगा कि चाय का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा आपके लिए, और दूसरा परिणाम क्या होगा, चाय पीना ही ध्यान बन जाएगा आपके लिए। तो चाय पीने को ध्यान बना लो। ऐसे तो संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यान करना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, कहते हो कि बड़े काम है, बड़ी दौड़ है, बड़ी भाग है, टाइम नहीं मिलता है, कहाँ संजीवनी क्रिया करेंगे। लेकिन चाय तो पीते हो, तो चाय को ही ध्यान बना लो और चाय के स्वाद को कई गुना बढ़ा लो। आपको पता है आप चाय पीते हुए भी सोचते रहते हो, क्या सोचते हो कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, जिंदगी की तमाम परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हो। तुम सोचते हो कि समय सोच लेना जरूरी है ताकि परिस्थितियों पर हमें कंट्रोल हो जाए, लेकिन ये तुम्हारी नासमझी है। कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई लाभ नहीं मिलता है। चाय पीते हुए जिस सोच में तुम उलझे रहते हो, उस सोच में अगर नहीं उलझोगे तो नुकसान कोई नहीं होगा। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, तुम 7 घंटे 8 घंटे सोते हो, जितनी देर सोते हो उतनी देर जिंदगी की सारी परिस्थितियों से अलग हो जाते हो। ध्यान का अर्थ है जागते हुए थोड़ी देर के लिए जिंदगी की सारी परिस्थितियों से मुक्त हो जाओ। जागते हुए थोड़ी देर के लिए ऐसे जियो जैसे सारा संसार ही मिट गया तुम्हारे लिए। इसलिए जब चाय पियो तो ऐसे पियो जैसे सिर्फ चाय ही बची है और सारा संसार समाप्त हो गया है तुम्हारे लिए। सच्चे अर्थों में चाय का पीना ध्यान बन जाएगा, और होशपूर्वक चाय पी पी करके तुम परम जागरण को उपलब्ध हो सकते हो, उसी अवस्था को उपलब्ध हो सकते हो जो महावीर बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट मोहम्मद को मिली थी, जो कबीर नानक दादू मीरा को मिली थी।